सर बोलने का मौका दीजिए ना। सभापति महोदय जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधित करने वाले विधेयक राज्य द्वारा यथा पारित कर विचार किया जाए। आप कहते हैं कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है, आप कहते हैं कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है, कश्मीर अभी यूनाइटेड नेशन की मॉनिटरिंग करता है, वो भी आज से नहीं बल्कि 1948 से। एक मिनट, ठीक है बैठ जाइए आप। एक मिनट माननीय महोदय जी, ये जनरल बात नहीं है और ये देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद है और इसमें सबको बोलने का अधिकार है। माननीय गृह मंत्री जी, रंजन जी, सब प्लीज बोलने का मौका तो दीजिए। बार बार इस प्रकार से आप सभा को सभा की मर्यादा को प्लीज सर मुझे बोलने का मौका दीजिए। प्लीज सर प्लीज आपका अपनी बारी को बोलिए सर। मैं जबल महोदय बैठ जाइए सर, ये गलत पे गलत बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता सर, एक बार बोलने का मौका तो दीजिए। मैं इसको एनालाइज करने के लिए बैठा हूँ, आप बैठ जाइए। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि हमने कौन से नियम तोड़े हैं, ये हमें बता दें। माननीय मंत्री जी, मैं सिर्फ स्पष्टीकरण चाहता हूँ और हमें जानकारी चाहिए और कुछ नहीं। एक पीएम थे जिन्होंने शिमला समझौता किया और दूसरे पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने लाहौर समझौता किया। ऐसे होते हुए भी सर प्लीज सर बोलने का मौका दीजिए। बैठ जाइए। कहते हैं कि ये हमारा आंतरिक मामला है, यह हमारा आंतरिक मामला है क्या, यह हमारा प्रश्न है। कुछ दिन पहले एक हमारे मंत्री जी ने प्लीज सर मुझे आप मुझे बोलने का मौका।